हाय गाइस, माय नेम इज़ कशिश एंड मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, अबाउट व्हाई आई रिटर्न्ड फ्रॉम कनाडा। लाइक आपने देखा होगा आजकल बहुत लोग अब्रॉड स्टडी करने जा रहे हैं, सो आई विल टेल यू अबाउट स्पेसिफिकली माय जर्नी इन कनाडा, व्हाई आई वेंट देयर, मैंने तो क्या पढ़ाई की, वहाँ पर हालात कैसे हैं, इज़ इट वर्थ गोइंग अब्रॉड टू स्टडी, मेरे कितने पैसे लगे, ये वो एवरीथिंग। आई विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग while I get ready. So very quickly without further talking, let's get started. पहले मेकअप की बात करें तो आई विल स्टार्ट बाई यूजिंग माई फेवरेट सनस्क्रीन विच इज़ द एक्वालॉजिका डी टैन प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। टू अप्लाई अ लिप स्क्रीन और अ लिप बाम, आई एम यूजिंग द हाइफन ऑल आई नीड लिप स्क्रीन। This is also so tasty. So let's start with the first question. While we conceal, I am using the Forever 52 Complete Coverage Concealer here, and it is my favorite concealer. Amazing coverage. So first question, जो मैं start करना चाहूँगी, is why did I plan on moving to Canada in the first place? So मैंने graduation complete किया, जो कि COVID में हो गया था complete. And then I was working in my mother's company and also was working for Mridul in her team. But मुझे मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में, आई वॉजेंट यू नो फीलिंग लाइक आई एम enjoying what I am doing. Like I wanted to study more because मैं graduate COVID में हो गई थी, तो it didn't actually feel like studying and completing and graduating, and also was very inclined into event management at that time. I used to freelance into events and मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग काफ़ी चलता है ये सब चीज़ों में, planning में, अगर trip हो गई या event हो गया, so I really like to go on Pinterest, make a board and you know actually bring those Pinterest things to life. So I really like doing that. So I thought ke, and my friend was going abroad to study Canada hi. She was starting her procedure and this is 2021 ki baat. So मैंने सोचा मैं भी करती हूँ, क्योंकि तभी भी थोड़ा थोड़ा lockdown चल ही रहा था. So मैंने ऐसे घर पर बैठी थी तो सोचा कि करती हूँ. And then I started looking out for courses and all of those things, you know. एंड जब मैं देख रही थी कोर्सेस एंड ऑल, तभी मुझे, मैं इस पर देखती रहूँगी क्योंकि मैं फ़ोन में इतने अच्छे से देख नहीं पा रही, तो जब मैं कोर्सेस देख रही थी ना, मुझे एक कोर्स अच्छा लगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, इवेंट मैनेजमेंट का, जो कि मुझे, मैंने मम्मी से ऐसी बात की रैंडमली कि हे यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड स्टडी, एंड वियरली शी सेड या दैट्स अ ग्रेट आइडिया, यू शुड गो, एंड बिकॉज मेरी मम्मी को हमेशा से चाहिए था मैं बाहर जाके पढ़ूँ, सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट, सो शी वॉज लाइक येस येस यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. सो आई स्टार्टेड विद द प्रोसीजर, आई स्टार्टेड अप्लाइंग, आईएल्स दिया, सब कुछ जो भी होता है सब कुछ किया. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, इट टुक मी वन ईयर टू कम्प्लीट इट. सो वंस आई गेव माई आईएल्स, आई पास्ड इन इट विथ वेरी गुड स्कोर्स. आई गॉट एन ओवरऑल ऑफ आई थिंक 7.5 और 8 बैंड्स, सो अच्छा हो गया वो. एंड देन आई अप्लाई टू माई कॉलेजेस एंड आई वेरी क्विकली गॉट इन टू द बेस्ट कॉलेज, जो कि मतलब उधर का बेस्ट कॉलेज है बोला हुआ, विच इज़ हम्बर्ग कॉलेज. लेफ्ट इंडिया ऑन द 3rd of September 2022 टू गो टू कैनेडा. सो इनिशियली माई प्लान वॉज टू गो देयर एंड सेटल देयर, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग बहुत फैसिनेटेड हैं, नॉट सब लोग, बट मी पर्सनली आई वॉज फैसिनेटेड विथ वेस्टर्न लाइफ and I thought it was better, and इसलिए I thought of going. So I always planned on going and settling there, and if not settling, at least मतलब ऐसा था कि मैं 4-5 साल तो रह कर आऊँगी. So everything went well, I moved to Canada and अब real story start होती है. And the reason I chose Canada and not any other country, because उधर पर जाना easy है, वहाँ पर citizenship लेना comparatively easier है, and मेरे relatives है वहाँ पर, and overall the procedure is easier. The main thing is आपको कोई exam नहीं देना पड़ता है English exam के अलावा, because US जाने के लिए GRE देना पड़ता है, and I was really scared because मेरे भाई ने दिया है and I know how much work it takes. I can't do GRE is what I think. I simply stuck on the easiest part, which is Canada. So there was no reasoning k
कि मुझे कनाडा ही क्यों जाना है. इट वाज जस्ट अ वेरी रैंडम डिसीजन. नाउ आई विल बी अगेन यूजिंग द फॉर 52's फाउंडेशन. इट इज़ द अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन इन द शेड हनी. एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा कवरेज है यार इसका. मैं आपको दिखाती हूँ, देखो व्हाइल आई अप्लाई इट यू विल सी. बहुत ही थोड़ा सा ले रही हूँ बिकॉज मुझे कहीं जाना नहीं है. मैं आप लोगों के सामने मेरा मेकअप कर दूँ एंड बिकॉज इसका कवरेज अच्छा है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. तो हाँ, तो मैंने जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, मैंने वहाँ पर हम्बर कॉलेज से पढ़ाई की है, विच इज़ द बेस्ट कॉलेज इन टोरंटो. इट इज़ द नंबर वन देयर. एंड इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट द कॉलेज, इट इज़ अ ग्रेट कॉलेज. इट इज़ वेरी ह्यूज. मैं लेकशोर वाले कैंपस में थी, उसके दो तीन तीन कैंपस है. मैं लेकशोर कैंपस में थी, विच इज़ अगेन द बेस्ट कैंपस. कंपेयर टू अदर कॉलेज, मेरे जितने फ्रेंड्स बने, इट इज़ द बेस्ट इन माई ओपिनियन. एंड आपका कोऑप भी होता है उसमें, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट. सो एंड इवेंट मैनेजमेंट का वहाँ पर वैसे स्कोप आई थिंक अच्छा है. खैर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट माई फ्रेंड्स आर सम ऑफ माई फ्रेंड्स हूँ जो मेरे क्लास में थे मेरे साथ, वो अभी भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं. तो आई थिंक अच्छा होगा शायद, मैं बोल सकती हूँ. मुझे ढूंढने नहीं आए सही तरह के जॉब्स. सो या नाउ आई विल टेल यू हाउ मच आई हैव स्पेंट ओवरऑल कनाडा जाने के लिए. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन इज योर आइल्स का एग्ज़ाम. आइल्स के एग्ज़ाम नहीं नहीं करके आपको 10,000 से स्टार्ट होते हैं. सो 10,000 का आपका वो एग्ज़ाम होता है. अगर आप क्लासेस लगाओगे तो अलग पैसे लगते हैं. तो मेरे को तो मतलब मैं क्लासेस और एग्ज़ाम मेरा एक ही जगह से था. सो मेरे को एक तरह से यू नो लाइक इट वॉज मिक्सड. मतलब जो मैंने एग्ज़ाम की फ़ीस भरी थी उसमें मुझे क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे वो लोग. हाँ 10,000 रुपये वो हो गए. देन यू स्टार्ट अप्लाइंग टू कॉलेजेस जहाँ पर मिनिमम आपका एप्लीकेशन फ़ी $100 होता ही है कोई भी कनेडियन कॉलेज का. तो दैट गोज़ टू 6,000. मैंने दो कॉलेजेस में अप्लाई किया तो 12,000 मुझे वो लग गए थे. देन वीज़ा बायोमेट्रिक्स का प्राइस होता है, आई डोंट रिमेंबर हाउ मच आई हैव पेड, बट समझ लीजिए आपका जो प्री बिफोर गोइंग ये सब जो होता है इसका मोटा मोटा 50,000 आप पकड़ लीजिए. आपके डॉक्यूमेंटेशन का मैंने 50,000 तक स्पेंड किया होगा इजी. 20,000 CAD मेरी फीस थी विच केम टू 12 lakh rupees. देन व्हेन यू गो टू कनाडा यू हैव टू गिव द गवर्नमेंट देयर $10,000 जो आपको गवर्नमेंट आपके ही बैंक अकाउंट में डालती है वहाँ पर एक बैंक अकाउंट बना के. सो दैट यू नो द गवर्नमेंट इज़ अश्योर्ड कि आपके पास अगर जॉब नहीं भी हुई तो यू कैन सर्वाइव इन द कंट्री. तो वही $10,000 आपको एक साल या 10 महीने के उस पीरियड में आपको वो बैंक ही वापस दे, मतलब गवर्नमेंट आपको हर महीने क्रेडिट करते रहेगा आपके अकाउंट में. सो दैट इज़ अनदर 10,000 यानी कि 6 lakh rupees हो गए. तो 12 + 6 = 18 lakh हो गए. 50,000 मैंने आपको बोला आपके एक्सपेंसेस लगते हैं वो. सो दिस कम्स टू 18,50,000 rupees. नेक्स्ट, क्योंकि मैंने पागलों की तरह पहले से टिकट नहीं कराई थी तो मैंने लास्ट मोमेंट पे टिकट कराई थी. मेरा वीज़ा जैसे कि आया 20 days पहले जाने से, मेरे को टिकट पड़ी थी 2.5 lakh rupees की. 2,50,000 वन साइड एंड आई वेंट इन, मतलब वो मेरा इकोनॉमी वॉज सोल्ड आउट सो आई हैड टू गो इन प्रीमियम इकोनॉमी. वहाँ से मैं फ्रैंकफर्ट गई थी. फ्रैंकफर्ट से फिर मेरी टोरंटो की फ्लाइट थी जो कि 24 hours की टोटल फ्लाइट थी विथ 8 hour ले ओवर. सो यहाँ से फ्रैंकफर्ट वॉज 8 hours, देन 8 hours ले ओवर, देन फ्रैंकफर्ट टू टोरंटो वॉज अनदर 8 hours. सो 24 hours इन टोटल फॉर विच आई पेड 2,50,000 rupees. तो 18,50,000 हो गए, उसमें और 2.5 lakh मिला दो तो 21 lakhs का खर्चा यहाँ पर हो गया. 21 lakhs मैंने यहाँ पर स्पेंड कर दिए थे. देन मैं वहाँ पर लेके गई थी 2 lakhs, सो 23 lakhs एंड 1.5 lakhs मैंने यहाँ पर स्पेंड किए होंगे. तो आपको मैं अगर एक ओवरऑल अंदाज़ा बताऊँ तो 25 lakh एक्सपेंस पकड़ के चलिए आप, आपका सारी चीज़ों का. आप इधर से थोड़ी शॉपिंग करके लेके जाएंगे, आप बैग्स खरीदेंगे, जो भी आप करेंगे उन सब का ओवरऑल एक्सपेंस इज़ 25 lakhs. कम भी कर सकते हो, बचा भी सकते हो, बट मैक्सिमम आपका 25 lakhs में हो जाना चाहिए. सो एज सून एज आई लैंडेड इन कैनेडा आई हैड माई फैमिली देयर हु केम टू पिक मी एंड देवा विथ मी फॉर 2-3 days. उन्होंने मेरे को आजू बाजू घुमाया. तब तक सब कुछ ठीक था. पहले तो इन साइड कॉस्मेटिक्स का बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू थोड़ा सा काइंड ऑफ यू नो इधर बेक से ही मैं अकेली पड़ी. आई कुडंट स्टॉप क्राइंग.
आई रिमेम्बर आई डिड नॉट यूज टू स्लीप, आई यूज टू क्राई एंड आई वॉज बेगिंग माई फैमिली, मुझे नहीं रहना है, मुझे प्लीज़ वापस आने दो, मुझे प्लीज़ वापस आने दो. वेंट टू माई कॉलेज फॉर रिफंड, टू आस्क फॉर रिफंड, एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग सो लोनली, सो लॉस्ट एंड लाइक एकदम हार्ट ब्रोकन. एंड मेरी मम्मी तो बहुत टेंशन में आ गई थी बिकॉज माई मदर कांट सी मी क्राई. सब बहुत हेल्पलेस थे यहाँ पर एंड सब ने हाँ भी बोल दिया कि आ जाओ अगर नहीं जम रहा बहुत ज़्यादा, बट नहीं, आई वॉज लाइक आई कान डू दिस, आई कान गो, आई हैव कम योर विथ सम ड्रीम्स, आई केम योर थिंकिंग ऑफ सम थिंग्स एंड आई विल डू इट. एंड देन आई गॉट नॉर्मल, आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स, गोइंग आउट, आई विल डू आई शेडोज, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यू नो लर्निंग इट, आई रियली गेट एक्साइटेड व्हेन आई गेट टू यूज इट. जॉब मार्केट देयर इज वेरी बैड एंड आई फील इन कैनेडा पीपल हैव नॉर्मलाइज स्ट्रगल. माई गोल्स आर वेरी क्लियर कि मुझे जाकर क्या करना है, बट सून एज आई स्टार्टेड लिविंग देयर आई वॉज हैप्पी, आई वॉज लिविंग अ गुड लाइफ, आई हैड अ डिसेंट जॉब, I had a good college life, I had a good group of friends, but I don't know, वो fulfillness और वो satisfaction जो होता है ना वो नहीं आ रहा था मुझे. एंड आई वॉजेंट थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज इट वॉज टू अर्ली टू जज. आई डिड कैरी ऑन विथ माई स्टडीज, विथ माई वर्क, आई वॉज वेरी डिटर्मिंड एंड आई यूज टू सेव माई मनी वेरी वाइजली, आई यूज टू नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा. कट शॉर्ट, my semesters were over, my college was over, I was working in April, my college was over, I started working full time, I got a job, a very nice corporate job, it was a fun job, it was in a marketing agency and I really enjoyed, I made really good friends there and the job was a little hectic, like thoda sa pressure tha usme, but that is okay, that comes anywhere you go, it was paying me good, I was making good money there for beginning and yeah, life was good, life was matlab pure din mein busy rehti thi, my schedule was I used to go work out in the morning, make myself my lunch, breakfast, lunch and dinner and then leave for work and then seedha come from work and sleep, that was my routine. I used to work Monday to Friday, Saturday Sunday mera off hota tha. And that is when I used to enjoy. मेरे घर से एक और जन था, my friend Raj, who used to work in the same office as me. I referred him there. So, yeah, life was good. But again, I wasn't feeling very satisfied. I wasn't happy. Now comes the very big question that why and when I finally planned on moving back. So I actually did not plan on moving back anytime until November. I applied for my work permit, I did everything, मेरी tickets भी return की book थी. So November 28th की मेरी flight थी and November में ही first week में मैंने सोचा I just don't wanna come back, let's go back to India because that is my happy place. Reason that I, you know, chose to move back is because firstly I wasn't making a lot of money there and I thought that the money that I was making is not worth living away from my family for me and the weather there is extreme, like 9 mahine puri thandi rehti thi us jiske wajah se bilkul bahar nahi nikal pati thi aur mujhe na Mumbai mein bhi thandi lagti hai, so you can imagine how cold I am, so that was another reason that I was not comfortable. Third is I did not see growth in the career or the field that I was in. I will obviously reach 100k 200k job after certain years, but that is not like उसके ऊपर scale नहीं कर पाती मैं अपना career, मुझे ऐसा लगता है. So that is the reason I thought of moving back and start doing something here, because I was like if you know मेरे को पैसा ही कमाना है तो एटलीस्ट मैं खुशी खुशी कमाऊँ, बिकॉज दैट वॉज नॉट वर्थ इट, लाइक मैं पैसे कमा रही थी बट जब वो पैसे उड़ाने के लिए कोई नहीं है. यहाँ पे मैं भले ही बहुत कम कमाऊँगी बट एटलीस्ट आई हैव माई फैमिली, आई कैन स्पेंड ऑन देम, आई हैव माई फ्रेंड्स, आई कैन गो आउट विथ देम. सो द ओनली रीजन दैट आई केम बैक वॉज मेजरली द वेदर, द स्कोप इज़ नॉट ग्रेट इन कैनेडा. इफ यू आर प्लानिंग टू गो बहुत वाइजली जाना, सोच समझ कर जाना, बिकॉज 99% ऑफ द पीपल दैट आई हैव सीन अराउंड मी रिग्रेट
after going there. Mm-hmm. I was fortunate enough to make the money that I spent, almost utna paisa maine banaya hai in the 1.5 year that I was there, and I returned all the fees that I took from my family. Obviously thoda bahut amount hai jo I haven't returned to them, but eventually in my life aage jaake main unko paise bhi lauta dungi. But the major chunk that meri fees maine puri clear kar di, mera fees ka loan pura clear kar diya hai maine isliye bahut mehnat ki aur bahut kamaya. Like I didn't used to waste, I used to spend very wisely. Maine budgeting karke rakhi thi. एंड लाइक उधर पर जाकर भले ही मुझे बहुत मज़ा नहीं आया, मैं वहाँ पर रही नहीं, बट लिविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली ऑन योर ओन, मैनेजिंग योर ओन एक्सपेंसेस टीचेस यू अ लॉट. इट टॉट मी सो मच अबाउट लाइफ एंड जस्ट अबाउट पीपल एंड जस्ट अबाउट हाउ यू नीड टू लिव. तो अभी मैंने मेरा आई शेडो कर लिया है, बहुत ही बेसिक ऐसे ही पर्पल कलर का किया है, एंड बहुत ही पिगमेंटेड नहीं है ये आई शेडो पैलेट वैसे, बट ठीक है, डज द जॉब. सो इन द एंड द क्वेश्चन कम्स डाउन टू एम आई हैप्पी ओर योर और डू आई रिग्रेट यू नो मूविंग बैक. आई एम वेरी हैप्पी योर टचवुड एंड आई होप इट स्टेज द सेम. एंड आई हैव फिगर्ड आउट दैट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, टू बी क्लोज टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. नाउ आई विल बी डूइंग माई ब्लश नेक्स्ट. आई एम यूजिंग द वेरीफाइड ब्लश in the shade firecracker. This is such a bomb shade, it is so pigmented and it is like this bright pink color. So dekh lo, thoda bhi lagao na main to itna zyada lagta hai na, but I really like blush, so no complaints. Next we will do my highlighter. So the last thing that I wanted to talk about is it worth it to, you know, go to Canada at this point of time? In my opinion, I used to always say this to everyone in my family and friends, that if someone asks me if they should go to Canada, I would always say no, because I think India is developing. Next time using the L'Oreal Air Volume Mascara. It was all about my Canada journey. I did not enjoy it there, I hated it there, so I planned on moving back, and I'm very happy, touch wood. And if I were to suggest you, you should definitely, you know, talk to a lot of people on LinkedIn. And last but not the least, मैं लगाऊंगी अपनी लिपस्टिक. मैं चूज कर रही हूँ स्टेस की 929 लिपस्टिक, विच इज इन द शेड 05 ट्रफल ब्लश. एंड दिस इज अ फैंसी लिपस्टिक दैट कम्स इन टू शेड्स. इफ यू कैन सी, देखो दोनों तरफ अलग अलग शेड है. तो बेसिकली इसका ये होता है कि नीचे वाले लिप पे एक लगाओ, ऊपर वाले पे दूसरे लगाओ, एंड देन टू मर्ज इट. So let's do that. Only thing that is better in Toronto is you get paid better for the same job that you do, but also people don't see that you spend a lot more than you spend in India. And yeah, I think that's all. My conversation has ended and so has my makeup. I think I did a good job. I am improving. That was all for today's video. I hope that you enjoyed watching today's video. अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए, इस पर comment कीजिए and इसे अपने friends and family के साथ share कीजिए. अगर आप चाहते हो मैं कोई specific video बनाऊँ तो please मुझे comment section पर ज़रूर बताइए. अगर आपको मेरा channel अच्छा लगता है, मेरा content अच्छा लगता है और आपने मुझे अभी तक subscribe नहीं किया है तो please मेरे channel को subscribe कीजिए. Instagram पर follow कीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी active रहने का try करती हूँ. Thank you so much for watching. Bye.